थाईलैंड में होकर पटाया एक्सप्लोर ना करो। मॉर्निंग 6:30 और मैं निकल पड़ी पटाया एक्सप्लोर करने के लिए। रात में कुछ भी नहीं खाई थी, इसलिए देखो शकल कैसा हुआ है। कुछ देर जाने के बाद मैं खाने के लिए यहाँ पर उतर गई और देखा, इंडिया में तो भगवान जी को प्रसाद देते हैं, यहाँ पर पानी बोतल एंड स्ट्रॉ के साथ। इंटरेस्टिंग, ठीक है यहाँ पर ऐसा ही होता है। ठीक है मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए। यहाँ पर कुछ शॉप मुझे मिल गया और भाई यहाँ पर तो सब कुछ नॉनवेज है। नॉनवेज मतलब बीफ एंड पोर्क। बड़ी मुश्किल से मुझे ये ब्रेड मिला। ठीक है कुछ तो मिला खाने के लिए, खा लेती हूँ मैं। और मैं आ गई एक ऐसी जगह जहाँ पर ये रियल कॉर्न है भाई, रियल कॉर्न एंड प्लेन भी है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर आए हैं स्काई डाइव करने के लिए। यस, बट मैं नहीं करूँगी, मैं तो बहुत डरपोक हूँ, मेरे हस्बैंड करेंगे ये सब। तो मैं आई हूँ कंपनी देने के लिए उनको। देख लेती हूँ ये जगह कैसी है। बैठते बैठते ये कॉफी भी खत्म हो गया और घूम भी लिया मैंने बहुत। बहुत सारा प्लेन भी है। बहुत घूमने के बाद बैठ गई मैं यहाँ पर और पीछे देख सकते हो कितना बड़ा प्लेन है। और बीच बीच में आप देख सकते हो ये भाई साहब आ जाते हैं मुझे एंटरटेन करने के लिए। मैं पूछ लिया, इंडिया के बारे में क्या पता है आपको? ये बोल रही है उनके मदर को हिंदी पता है, बहुत अच्छी तरह से हिंदी आती है उनको। जो भी हो अच्छा लगा सुनकर। और कुछ देर बाद मैं बोली अपनी हस्बैंड के, चलो आपके हाथों में भी मैं कुछ पेंट बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ लिख लिया और इसको देखकर वहाँ पर कुछ और इंडियन बॉयज थे, वो बोले सिस्टर मेरा भी लिख दो कुछ। और मैं बैठ गई, एक एक करके सबका मैं लिखने लगा कुछ ना कुछ। जो भी हो ये सब लोग स्काई डाइव करने के लिए जा रही है, बहुत एक्साइटेड है ये सब। और मैं फिर से वेट करने लगी कुछ देर बाद। चलो वो टाइम आ ही गया, ये लोग सब प्रिपेयर हो गए। और फिर फाइनली वो लोग सब प्लेन में गए। रुको रुको मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो। चलो प्लेन तो स्टार्ट हो गया और मैं यहाँ पर वेट करते करते आफ्टर सम टाइम देखा, अरे एक के बाद एक लैंड कर रही है ये लोग। ओह माय गॉड, मुझे तो यहाँ पर बहुत शर्म आ रही है, इतने सारे लोग हैं। और रुको मैं ऊपर का व्यू आपको दिखाती हूँ, देखो कितना सुंदर है। सी भी दिख रहा है यहाँ पर, वाओ सो ब्यूटीफुल। अभी हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे, 5 o'clock भी हो गया, अभी खा रहे हैं हम लोग। जो भी हो एक इंडियन होटल हमको मिल गया और खाना भी बहुत टेस्टी था। मैं तो बहुत खा ली और खाने के बाद सोची चलो घूम लेती हूँ थोड़ा पटाया। यहाँ पर आपको पता होगा पटाया बीच पास में है, मैं निकल पड़ी पटाया बीच एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारा स्पीड बोट भी है। थोड़ी टाइम घूमने के बाद इन लोगों का नाइट मार्केट, मतलब आपको शायद पता होगा रेड लाइट जोन, यहाँ पर शुरू हो गया। और आई हूँ तो थोड़ा ये भी देख लेती हूँ क्या होता है। बिल्कुल कलरफुल है यह सब। और एक लेडी से मुझे बात भी हुई और मैंने यहाँ पर ऑरेंज जूस भी पी लिया। और बस इस तरह से मेरा ये दिन ख़त्म हो गया। देखते देखते मैं बहुत टायर भी हो चुकी हूँ। अब मैं निकल रही हूँ अपनी रूम। फिर मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो, एक न्यू प्लेस एक्सप्लोर करेंगे। अरे अरे मैं तो भूल ही गई थी, यहाँ पर मुझे पानी पूरी भी मिला था। और बैंकॉक के मैं तो बहुत शौक हो गई थी पहले, बट जब टेस्ट किया अच्छा था, ओके ओके, बट नॉट लाइक अवर इंडियन स्ट्रीट फूड। मतलब पानी पूरी इंडिया का मतलब पूछो मत। जो भी हो अच्छा लगा। ठीक है मैं जा रही हूँ अपनी रूम, फिर मिलेंगे। चलो बाय बाय।